सो गाइस आज मैं आपको जीबी व्हाट्सअप के ऑटो रिप्लाई सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जो है पूरा डिटेल में जो है आपको जो है पूरा सेटिंग करके दिखाने वाला हूं ऑटो रिप्लाई सेटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वरना आपको जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, तो गाइस आपको करना क्या होगा, आपको जो है अपने जीबी व्हाट्सअप को ओपन कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पर कोने जो है थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ऑटो रिप्लाई का सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह का दिखाई दे रहा है, आपको जो है इसी तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पर पहले आता है रिप्लाई इफ़ कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शन, उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर रिप्लाई इफ़ इक्वल का ऑप्शन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है रिप्लाई टू ऑल मैसेज का ऑप्शन, यानी कि आप जिस पर मैसेज भेजना चाहते हैं यानी कि सभी को जो है रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए रिप्लाई टू ऑल वाले पे, यानी आप मतलब यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी पसंद आए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आता है ऑटो रिप्लाई मैसेज का ऑप्शन, यहाँ पर नीचे जो है लिखा है कि योर टेक्स्ट हियर विल बी सेंड, यानी कि आप जो मैसेज उसे भेजना चाहते हैं, ठीक है, आप कहीं पर व्यस्त हैं, ठीक है, आप कहीं पर मतलब कुछ भी कर रहे हैं व्यस्त हैं, तो आप जो मैसेज उसे भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि सपोज डेट, मतलब आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो जैसे सपोज डेट गाइस यहाँ पर मैं लिखा हूँ आई एम हैप्पी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है डेली मैसेज का ऑप्शन, यानी कि आप कितने सेकंड में मैसेज उसे भेजना चाहते हैं, कितने सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकंड जो है टाइम जो सेट कर लेता हूँ, जिससे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7 सेकंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है गाइस, यहाँ पर लिखा है नीचे बोथ का ऑप्शन, उसके बाद आता है ग्रुप का ऑप्शन, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो यानी आप किससे मैसेज भेजना चाहते हैं, यानी कि ग्रुप में भेजना चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स में भेजना चाहते हैं, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको भेजना चाहते हैं, आप जिसको भेजना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल जो है बोथ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है टाइमिंग, आता है यहाँ पर स्टार्ट टाइमिंग, यहाँ पर जो है पहले आता है गाइस यहाँ पर स्टार्ट टाइमिंग, उसके बाद यहाँ पर आता है एंड टाइम, यानी कि आप इतने से इतने टाइम में, मतलब कितने से कितने टाइम के बीच जो है मैसेज भेजना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जो है टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी टाइम, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद टाइम जो है 40 सेकेंड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है एंड टाइम, तो गाइस यहाँ से मैं एंड टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इतना सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गाइस इतने से समय में, इतने समय के अंदर अगर कोई भी आपको मैसेज करेगा तो यानी कि जो आपको जो मैसेज है वो चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई एम हैप्पी, तो मैं मतलब आई एम हैप्पी लिखकर उसके यहाँ चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दिया है सही का ऑप्शन, यहाँ से जो आपको सही कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ से सही कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर सेट हो चुका है, यहाँ पर लिखा है कि रिसीव का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंड का ऑप्शन, यानी कि जो मैं मैसेज लिखा हूँ वो यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।